चलिए जी शुरू करते हैं फिर से। स्वागत है आपका चैनल पे। तो ये सब हम बोलना भूल जाते हैं, ठीक है, अगर नहीं भी बोले तो फिर भी आपका स्वागत है, ठीक है। तो देखिए, मैंने आपको सवाल दिया था ना कल परसों में, दिखाई दे रहा है? सवाल क्या था कि आपको निकालना था ना 1/2 mv² क्या है ये, काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी का आपको निकालना था डायमेंशनल फॉर्मूला, बीमीय सूत्र निकालना था, और इसका मात्रक निकालना था ना, यूनिट निकालना था, ठीक है। तो किए हैं आप, ट्राई किए हैं? नहीं किए ना, ठीक है। देखिए हम करते हैं एक बार, आप मैच करा लीजिएगा, ठीक है। इसका होगा डायमेंशनल फार्मूला, हाफ है ना, तो हाफ का कुछ होगा ही नहीं। ये एम है, एम का मास, ठीक है, मास ये कैपिटल एम हो जाएगा। ये वी स्क्वायर है, तो एल स्क्वायर टी का पावर -2, ये हो जाएगा इसका बीमीय सूत्र। मात्रक देखिए, मात्रक तो आसानी है, एसआई पद्धति में देखिए मात्रक। इसका मात्रक हो जाएगा, ये एम है ना, तो एम केजी में एसआई पद्धति में, और वी स्क्वायर है तो मीटर पर सेकंड होता है, तो मीटर स्क्वायर सेकंड का पावर -2, ठीक है, ये इसका हो जाएगा यूनिट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा, क्योंकि और सवाल करेंगे लेकिन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए बीमीय सूत्र में ना कुछ कुछ बातें और हैं, ठीक है, आपको हम बताते हैं, एक आध बातें हैं इसमें, एक दो बातें जो काम की हैं वो आप सुन लीजिए, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू देखिए आप, अगर अगर हम कोई एक इक्वेशन लिखें, ठीक है, कोई समीकरण लिखें, जैसे कि ये आपने पढ़ा होगा ना, एक्स बराबर ut +1/2 at² ये आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, ये गति वाले चैप्टर में था, ये मोशन वाले चैप्टर में ये आपने पढ़ा था। ये इक्वेशन तब लागू होता है ना जब जब हमारे पास त्वरण कांस्टेंट हो, मतलब एक समान हो, ठीक है ना, तब ये वाला इक्वेशन हम यूज करते हैं विस्थापन निकालने के लिए, चाहे विस्थापन दिया हो तो इनिशियल वेग निकालने के लिए, चाहे ये सब दिया हो टाइम निकालने के लिए, ठीक है, तो इसका यूज करते हैं इस वाले इक्वेशन का, समीकरण का। हम क्या बोल रहे हैं कि देखिए ये हमारे पास इक्वेशन है, तो बीमा के हिसाब से ना, बीमा के हिसाब से मतलब कि ऐसा होता ही है, बीमा अगर कोई इक्वेशन है तो वो बीमा के हिसाब से सही सही होना चाहिए उसको। तो देखिए जो इक्वल टू की इस तरफ है ना, और जो इक्वल टू की इस तरफ है, ठीक है, और समीकरण में जितने भी पद है ना, चाहे वो एक्स हो, देखिए इसमें ये एक पद है ना, इसमें ये एक पद है और ये एक पद है, ठीक है ना, तो इसका बीमा और इसका बीमा और इसका बीमा, तीनों का बीमा ना एक जैसा ही होता है, और ये होना चाहिए। अगर तीनों का बीमा एक जैसा नहीं है तो मतलब कि कहीं ना कहीं वो समीकरण ही गलती है, हमने गलत लिख दिया है, हमसे गलती हो गई है, ठीक है। चेक करते हैं एक बार, देखिए फिर से बोल रहे हैं कि देखिए इक्वल टू के इस तरफ, ठीक है ना, और इक्वल टू की इस तरफ, तो जो इसका बीमा होगा ना, जो जो इन दोनों का मिला के बीमा होगा, वही बीमा इसका भी होगा, और जो इसका बीमा होगा ना, वही इसका भी होगा, वही इसका भी होगा, समझ में आ रहा है? मतलब कि जो दोनों का मिला के बीमा होगा ना, जो दोनों का मिला के बीमा होगा, वो जो जो निकल के आएगा नया वाला बीमा मतलब मिला के, वो इसका भी होगा, वही इसका भी होगा, ठीक है। एक बार देखते हैं फिर आपको समझ में आ जाएगा। ये एक्स है ना, एक एक्स से विस्थापन है, मतलब कि लंबाई है ये, ठीक है, लंबाई है ना, कितना लंबा वो तो विस्थापन है, वो कितना दूर है वो, तो इसका हो जाएगा डायमेंशन बीमा हो जाएगा, एल हो जाएगा, ठीक है। यूटी का निकालते हैं, यूटी है, यू इसमें है इनिशियल वेग है, टी समय है, तो यू का होता है बीमा एल टी का पावर -1, टी का होता है टी, ठीक है, तो ये दोनों कट के केवल एल आ जाएगा। अब इसका निकालते हैं हाफ ए टी स्क्वायर का,
हाफ का कोई बीमा होता ही नहीं है, मतलब तो कोई नंबर का कोई बीमा नहीं होता है, ठीक है। और ए का देखिए, अब ए का होता है बीमा एल टी का पावर माइनस टू, और टी का टी टी स्क्वायर हो जाएगा टी का पावर टू, ठीक है। तो निकल के आ जाएगा एल, देख रहे हैं जो इसका बीमा है ना एल, वही इसका भी बीमा है, वही इसका बीमा है, ठीक है ना। अगर आप ये दोनों मिला भी देंगे ना तो फिर भी वो एल ही आएगा, मतलब समझ में आ रहा है आपको, वही इसके बराबर आ जाएगा, दोनों का बीमा सेम ही होता है, क्योंकि नंबर का कोई बीमा थोड़ी होता है। कि इस वाले क्वेश्चन में हम मेरे पास जो बीमा आ रहा है वो एल आ रहा है, ठीक है। एल दूरी आ रही है, दूरी है वो लंबाई है, अगर इसका भी बीमा आ रहा है एल, तो मतलब वो भी लंबाई है इसका, इस वाले पद का, तो अगर लंबाई से लंबाई में जोड़ेंगे तो वो भी लंबाई ही आएगा ना, वो कुछ अलग थोड़ी आ जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि लंबाई में आप लंबाई को जोड़े तो वेग आ गया चाहे बल आ गया, ऐसा नहीं होता है, वो लंबाई ही आएगी, ठीक है। ऐसा एक और देखिए, एक और देखिए आप, ऐसे ही मतलब कि जो हमने लिखा है ना ये क्वेश्चन, ये सही है क्वेश्चन है, ठीक है ना। ऐसे पता भी करते हैं कि जो हमने लिखा है वो सही है कि गलती है। आप एक और देखिए, आपने एक और पढ़ा होगा एफ बराबर एम इंटू ए, पढ़ा है आपने, ये भी पढ़ा होगा। देखिए ये फोर्स, ये एफ बल है, ये एम द्रव्यमान है, मास है, और ए त्वरण है, एक्सेलरेशन, ठीक है ना, इसको दो मानते हैं। अभी अब इसका बीमा निकालिए, फोर्स का, फोर्स का बीमा निकालिए, इसका बीमा निकालिए, फोर्स का बीमा निकालिए, एफ का बीमा होता है एम एम एल टी के पावर माइनस टू, ठीक है ना। अब इसका बीमा निकालिए, इक्वल टू के इस तरफ का बीमा निकालिए और इक्वल टू के इस तरफ का बीमा निकालिए। अब दोनों तरह का बीमा सेम ही होता है, ठीक है, और सेम होना भी चाहिए। एम ए का निकालिए, अब एम का होता है कैपिटल एम लिख दीजिए, और ए का होता है एल टी का पावर माइनस टू, देखिए सेम आ गया ना दोनों का, ठीक है ना, मतलब कि जो हमने लिखा है ये सही लिखा है। हाँ लेकिन देखिए बीमा में ये चीज़ है ना कि वो नंबर के बारे में नहीं कुछ बताता है। अगर यहाँ पे हम लिख देते हैं ना इस वाली क्वेश्चन में कि एक्स बराबर यू टी प्लस 1/3 ए टी स्क्वायर, ठीक है ना, लेकिन देखो ये बीमा के हिसाब से ना इक्वेशन सही है, क्योंकि इसका जो आएगा बीमा वही इसका भी आएगा, वही इसका भी आएगा, लेकिन आपको ही पता है कि यहाँ पे 1/2 होता है, 1/3 नहीं होता है, मतलब कि ये इक्वेशन गलती है ना। तो बीमा ना नंबर के बारे में नहीं कुछ बता पाता है वो, क्योंकि नंबर का कोई बीमा होता ही नहीं है, ठीक है। देखो बीमा क्या होता है, बीमा होता है ना कि देखो, तो किसी राशि, ठीक है, दे रहा हूँ एग्जाम्पल, किसी राशि एक्स के बीमीय सूत्र में, सुनिए फिर से, किसी राशि एक्स को कुछ ही मान लीजिए, एक्स कोई राशि है, तो किसी राशि एक्स के बीमीय सूत्र में मूल राशियों पर जो घात होता है ना, मूल राशियों पर जो घात होता है, जो जो पावर होता है, जो एक्सपोनेंट होता है, ठीक है ना, तो उस राशि का ना बीमा बोलते हैं इसको, समझ में आ रहा है, ऐसे सिंपल भाषा में। तो देखिए ये पेन आपको दिख रहा है, ठीक है, किसी राशि एक्स, एक्स लीजिए कोई भी, मतलब एक राशि है एक्स के बीमीय सूत्र में मूल राशियों पर जो घात, घात को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, घात को बोलते हैं क्या बताइए, क्या बोलते हैं घात को, बोलते हैं पावर, बोलते हैं ना पावर, बोलते हैं चाहे एक्सपोनेंट बोलते हैं, दिख रहा है आपको, एक्सपोनेंट बोलते हैं ना, घात लगाए जाते हैं
इसका डेफिनेशन हो गया बीमा का। ठीक है, ये क्या लिखे हैं आपको एक बार हम समझाते हैं बढ़िया से एग्जांपल के थ्रू, देते हैं आपको बढ़िया एग्जांपल। जैसे कि हमारे पास एक सदरेशन है, तो इसका होता है फॉर्मूला ए, इसका जो बीमा होता है वो होता है एल टी के पावर -2। ठीक है ना, तो हम क्या बोल रहे हैं ना कि ये एक राशि है एक्सलरेशन। ठीक है ना, तो जो हम बीमा निकाले हैं ना, तो बीमा तो उसके मूल राशि में निकालते हैं। ठीक है ना, किसी भी जो 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 राशि होती है उसका जो बीमा निकालते हैं हम, जो उसका डायमेंशनल फार्मूला निकालते हैं, बीमीय सूत्र निकालते हैं, तो वो तो जो मूल राशि होती है ना उसी का जो संकेत होता है उसी का यूज करते हैं हम। ठीक है, चाहे वो एल हो गया, वो एम हो गया, वो टी हो गया, चाहे वो आई हो गया करंट के लिए, ठीक है, चाहे वो के हो गया ताप के लिए, टेम्परेचर के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम एल का यूज किए हैं, एल लंबाई है, टी समय है। तो इस राशि में ना ये एल के ऊपर जो पावर है ये एक है, टी के ऊपर जो पावर है -2 है। ठीक है ना, तो वही 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 चीज़ है, जब जो पावर है ना एल के ऊपर 1 है और टी के ऊपर -2 है, तो वही इस राशि का बीमा हो गया, बीमा हो गया। ठीक है, वही उस राशि का बीमा हो गया, समझ में आ रहा है? ठीक है ना, समझ में आ गया। एक और आपको एग्जांपल दें। ठीक है, एक और ले लीजिए, वहाँ से थोड़ी और क्लैरिटी आएगी। देखिए, अगर हम एग्जांपल ले ऊर्जा का, ठीक है, ऊर्जा का गतिज ऊर्जा का लेते हैं, चाहे सारे ऊर्जा का ना, सभी ऊर्जा का जो बीमीय सूत्र होता है वो एक ही होता है। ठीक है ना, तो देखिए ये हाफ mv² कर लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, देखिए बार बार हम इसी का यूज कर रहे हैं ना, क्योंकि आप इससे उसको मतलब समझ पाए ठीक से कि वही एग्जांपल में कहाँ कहाँ वो यूज हो रहा है, किस किस जगह पे क्या क्या उसका मतलब कैसे कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये देखिए आप इसका लेते हैं एग्जांपल, तो इसका क्या हो जाएगा बीमीय सूत्र, ये एम है ना, एम द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान को लिखते हैं SI पद्धति में, जो उसका संकेत होता है ना मूल राशि का वो कैपिटल एम होता है। ठीक है, फिर ये एल L² फिर टी के पावर -2। ठीक है, ये हो गया इसका बीमीय सूत्र एनर्जी का। अब क्या होता है ना, देखो अब जो एनर्जी में ना जो जो एम के ऊपर पावर 1 है, एम के ऊपर पावर 1 है ना, तो ना ऊर्जा का ना द्रव्यमान में, ऊर्जा का द्रव्यमान में वो उसका बीमा 1 है, समझ में आ रहा है? मतलब कि ऊर्जा के बीमा ना द्रव्यमान में 1 है और लंबाई में 2 है। ठीक है ना, देखो ऊर्जा की बीमा द्रव्यमान में 1 है, ये जो इक्वेशन है ना वो यही बता रहा है कि ऊर्जा की बीमा द्रव्यमान में 1 है, लंबाई में 2 है, और टाइम में और समय में वो -2 है। ठीक है, जैसे एक और देखिए आप, जो उसका देख लीजिए वेग का, देख लीजिए वेलोसिटी का, सबसे आसान होता है वो, उसका होता है बीमा LT के पावर -1। ठीक है ना, तो क्या बोल रहे हैं हम कि वेग का बीमा लंबाई में 1 है, इसका है पावर 1 है, और समय में टाइम में -1 है। ठीक है ना, समझ में आ गया। और यहाँ पे इसको मैसेज भी लिख सकते हैं कि m0 L1 और T का पावर 1 -1। तो यहाँ पे ना वेग का ना
द्रव्यमान में बीमा है ही नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आगे चीज पे एक्स का पावर अगर 0 हो गया तो उसका मान कितना आता है, 1 आता है ना, ठीक है ना, ठीक है ना। तो वेग की बीमा द्रव्यमान में शून्य है, वो नहीं है वो कुछ, यहाँ पे पावर 0 है ना, तो शून्य और 0 है, समझ में आ गया। चलो ठीक है।